जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम लिंकन कौन थे, हु वाज द अब्राहम लिंकन। तो अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इसे कम्प्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अब्राहम लिंकन को अमेरिका के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है। यही नहीं, इनको अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने के लिए भी याद किया जाता है। अब्राहम लिंकन की ईमानदारी के विषय में इतनी कहानियां हैं कि उन्हें ऑनेस्ट एब भी कहा जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी प्रांत में हुआ था। अब्राहम लिंकन और उनके पिता थॉमस लिंकन का जीवन अब्राहम लिंकन के बचपन के समय कठिनाइयों से भरा पड़ा रहा। यहीं से थॉमस लिंकन ने अपने बेटे अब्राहम को हार न मानने का गुण सिखाया। इसीलिए अब्राहम लिंकन 8 चुनाव हारने के बाद भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर अमेरिका के सबसे ऊंचे पद पर जा बैठे। अब जब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि अब्राहम लिंकन कौन थे, तो आगे बढ़ते हैं और अब्राहम लिंकन के जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला है एक राजनीतिज्ञ के रूप में अब्राहम लिंकन और दूसरा है अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। अब्राहम लिंकन ने अपना राजनीतिक जीवन व्हिग पार्टी से शुरू किया। आमतौर पर यह लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति को शुरुआती तौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर बाद में उसका जीवन आसान हो गया, परंतु अब्राहम लिंकन के विषय में यह बात सही नहीं है। अब्राहम लिंकन को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब्राहम लिंकन के राजनीतिक जीवन में कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी हार की संख्या उनकी जीत की संख्या से कहीं ज़्यादा है। वैसे तो अब्राहम लिंकन ने व्हिग पार्टी से अपनी शुरुआत की थी, परंतु वह इसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे एवं इसमें अपने आप को असहाय पा रहे थे। इसीलिए वे नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोगों में शामिल हो गए। रिपब्लिकन पार्टी आज तक अमेरिकी राजनीतिक सत्ता के शिखर पर बैठी हुई है। अब्राहम लिंकन अश्वेतों को उनके अधिकार दिलाने पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि गुलामी प्रथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। इसी विषय पर उनकी पार्टी और एक अन्य पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में भारी मतभेद आ गए, जिसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका गृह युद्ध की ओर बढ़ गया, जिसमें उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब्राहम लिंकन गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इस बात के खिलाफ था। इसी बात पर अमेरिका के दक्षिण एवं उत्तर में लड़ाई चालू हो गई और अमेरिका गृह युद्ध में फंस गया। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिकी गृह युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। जान माल के इतने नुकसान के बाद अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला उत्तरी अमेरिका युद्ध जीत गया और गुलामी प्रथा को अमेरिका में हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। परंतु अब्राहम लिंकन का भाग्य इतना अच्छा नहीं था कि वे इस यूनाइटेड स्टेट्स को देख सके। इससे पहले कि वे अपना दूसरा चुनाव लड़ते, उनकी हत्या कर दी गई। अब्राहम लिंकन उन गिने चुने राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिन्होंने केवल एक कार्यकाल के लिए काम किया है, परंतु उनकी छाप आज तक अमेरिका में दिखाई देती है। ऐसे एक और राष्ट्रपति जिन्होंने केवल एक कार्यकाल में काम किया परंतु आज तक उनका नाम लिया जाता है, वह है जॉन एफ कैनेडी। चलिए, यह तो बात हुई अब्राहम लिंकन की। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।